कैसे? चलो सब कि हरियाणा में जिस तरह से अब स्थितियां बन रही है, राजनीतिक स्थितियां, आप कैसे देखते हो किसान आंदोलन जिस तरह चल रहा है और पूरी तरह से सरकार को एक तरह घेर रखा है, क्या लगता है आगे क्या होगा हरियाणा में सियासी तौर पर? सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया था, पिछले 10 महीने से गर्मी सर्दी बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे, और मंशा केवल एक ही है कि इसको शासन का मुझे ये देख तो बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम तो किसान आंदोलन है लेकिन उस आंदोलन में 36 बिरादरी के लोग बैठे, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई त्यौहार वाल्मीकि धारा को लेकर साथी कुमार सभी लोग बैठे, थानेदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, दुकानदार भी हैं, और ये सारे ही सरकार से जुड़ते हैं और उनका परीक्षा के लिए ये सरकार का अंत किया है, इसलिए निश्चित रूप से आने वाला कल जो सरकार के पतन का कारण बनेगा और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि उसका असर समूचे विश्व के सफर और सारे देश में इस सरकार का अंत होगा और एक ऐसी सरकार का गठन होगा जो 36 राज्य के लोगों के प्रेम प्यार और सौचर्य के साथ होगा। आजकल राजनीति में ये बड़ा हो गया कि एक पार्टी नेता छोड़ जाता है दूसरी ने जाता है, आप जैसे इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं तो स्थायी हुआ करते थे लोग, लंबे टाइम तक एक ही पार्टी में रहते थे, अब अगर एलनाबाद इलेक्शन की बात करें तो या तक कि प्रत्याशी बदल गए, पार्टियां बदल गए, दूसरी पार्टी में चले गए, क्या कहना चाहते हैं? देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किन हाथों में सरकार आए जिससे देश को आज की मौजूदा सरकार जो है जात पात का फैल फैला देते हैं, हमें आपस में बांट करके लड़ा करके हुकूमत की आड़ दे करके लोग पहुँचाने का काम करते हैं, इसका एक सबूत मैं आपके सामने बोलूँ। जी जी, 2005 में जब हमारी सरकार गई थी हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपये हम छोड़ के आए, और आज हरियाणा सरकार की सबूत को 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर पड़ता है, जो बच्चा पैदा होगा 1 लाख का कर्ज अपने सर पे ले चुके हैं, और इनसे कोई पूछे भी कर्जा किस बात का है, विकास के नाम पर तो एक ही इतनी कर्जा बढ़ता जा रहा है, हम तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी हल नहीं देते, पुराने कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी करते ठीक है।